कि 16 एग्जाम हुई, सारे पेपर लीक हुए, प्रकरण भी दर्ज हुए, लेकिन एसओजी राज्य पुलिस ने लोगों को, बड़े मगरमच्छों को बचा दिया, मछली जेल में है। अब ईडी गई है तो कुछ सार्थक परिणाम आएंगे, इसमें बड़े नेता, मंत्री, एमएलए भी शामिल हैं, तो वहाँ भ्रष्टाचार चरम पर है, इससे राजस्थान की जनता पूरी तरह से त्रस्त है। और भ्रष्टाचार भी बड़े बड़े जल जीवन मिशन में घोटाला है 20,000 करोड़ का, माइंस में घोटाला है करीबन 70,000 करोड़ का। पहली बार हुआ है कि किसी शासद सचिवालय में 2,31,00,000 रुपए और सोना भी अलमेरा में मिले, ये राजस्थान में ही हुआ है। रीट पेपर का घोटाला बड़ा है ही, तो भारी भ्रष्टाचार है, कानून की चीज बस से बदतर है, रोल रेप, अपहरण, मर्डर, गैंगवार, राजस्थान इस मामले में बड़ा बदनाम हो चुका है, लोगों में बहुत भय है, बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। और जो वादा किसानों को किया था संपूर्ण कर्ज माफी का, उसमें भी जिसके कारण सत्ता में आई उन्होंने भी आत्महत्या की है, निराश है किसान। जवान जिनको 3,500 करोड़ बेरोजगारी भत्ते की बात कही थी, बहुत सारी नौकरी देने की बात कही थी, उनको न बेरोजगारी भत्ता मिल रहा, न नौकरी मिल रही, बल्कि जो नौकरी मिली उसमें फर्जी लोग दाखिला पा रहे हैं। विकास में भी राजस्थान पिछड़ गया। अब चुनाव के समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, उनने भी 19 जिले बनाए, अब आप उनको 50,000 करोड़ रुपये चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा? नई नई रेवड़ियों की नई नई योजना, हर ऐसी कोई जाति नहीं छोड़ी जिसके नाम से बोर्ड नहीं बनाया हो। तो जातिवाद की बीमारी नीचे तक गहलोत साहब ने, ये केंद्र प्रकार सत्ता में आने चाहिए, हर चीज़ की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, लेकिन राजस्थान की जनता ने तय कर लिया है कि वो लुटी बहुत है, जवान लुटा है, किसान लुटा है, बेरोजगार लुटा है, बहन बेटी की इज्जत लुटी है, कि इस सरकार को सत्ता से बाहर करना है, इसके लिए परिवर्तन की हमारी यात्रा है। संभावना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की है, गृह मंत्री जी की है, बाकी मेरे को विस्तृत जानकारी नहीं है, संगठन के लोग इस बारे में ज़्यादा बता सकेंगे। लेकिन एक तो श्री गणेश जी से चालू होगी, एक अपना ये जो आदिवासियों को सबसे बड़ा स्थान है वहाँ से चालू होगी, एक गोगा मड़ी से चालू होगी, नाथपुरा से, यूँ इस ढंग से चारों तरफ से जो बड़े आस्था के केंद्र हैं वहाँ से ये यात्राएँ प्रारंभ होंगी। हाँ, तारीख निश्चित की गई है, 2 सितंबर से ये चालू होंगी और 25 सितंबर को इनका समापन होगा, जिसमें एक बड़ी विशाल सभा का समापन माननीय प्रधानमंत्री जी जयपुर में करेंगे। सर, अभी कैसी तैयारी में परिवर्तन यात्राओं को लेकर आप? प्रभारी हैं माननीय अपने प्रहलाद जोशी जी, वो वहीं पर कैंप लगाए बैठे हैं, अरुण सिंह जी भी वहीं पर हैं, माननीय बीएल संतोष जी भी वहाँ पर हैं, और पूरा संगठन को जिम्मेदारी दे दी है, और जिम्मेदार सारे सांसद, मंत्री, एमपीज भी सब वहाँ पर इसमें लग गए, इसलिए परिवर्तन यात्रा बहुत सफल होने वाली है। 100%, आप तनिक भी शक मत करो कि परिवर्तन नहीं होगा, चाहे कितनी रेवड़ियाँ बांट लो। ये रेवड़ियाँ जनता समझ रही है कि अब क्यों बांट रहे हैं, 5 साल पहले क्यों नहीं बांटी, शासन में आए थे जब बिजली के बिल माफ़ क्यों नहीं किए, जब किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ़ किया पूरा, नौकरियाँ क्यों नहीं दी, भ्रष्टाचार पर लगाम क्यों नहीं लगाया, बहन बेटी की इज्जत क्यों नहीं बचाई, अब आप लग रहे हैं केवल भ्रम में डालने के लिए। तो राजस्थान की जनता समझ चुकी है, इन रेवड़ियों से राजस्थान की जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।